गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? प्लीज राइट इन चैट बॉक्स। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम आप लोग जो भी एफपीडी करते हैं, चाहे क्राउन करते हो, ब्रिज करते हो, उन सब के बारे में जो भी आपको दिक्कत आती है, इश्यूज आते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। इट्स मोर ऑफ ए डिस्कशन और एक क्लिनिकल एस्पेक्ट होंगे एफपीडी के, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं, सो नॉर्मली एफपीडी बारे में हम लोग क्या सोचते हैं कि एफपीडी कुछ नहीं है, जस्ट एक टूथ को लो और उसको प्रेप कर दो। जस्ट सिर्फ अंडरकट उसके नहीं होने चाहिए, जस्ट टू रिमूव द अंडरकट्स एंड ऑन दैट समथिंग विच कैन सीमेंट, मीन्स लैब विल मेक ए क्राउन एंड विच वी कैन सीमेंट। एंड वी रेयरली थिंक अबाउट मार्जिन्स और यू कैन से फिनिश लाइन्स। वी थिंक विल टेक केयर इट सब इनजाइबल एंड सीमेंट विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, वेदर आवर क्राउन इज लूज और आवर प्रिपरेशन इज हैविंग मोर पेपर, सीमेंट विल टेक केयर एंड सीमेंट विल कीप इट फिक्स इन इट्स प्लेस। ऐसा नहीं है, ये सब बिल्कुल गलत बात है कि वी नीड ए प्रॉपर शेप ऑफ द टूथ, प्रॉपर प्रिपरेशन, उसमें प्रॉपर हमारे को पैरलिज्म चाहिए, प्रॉपर शेप चाहिए। ऐसे ही मार्जिन्स की भी बड़ी बहुत इंपॉर्टेंस है, जो कि अभी आप देखेंगे लेक्चर में आगे, मैं वी टॉक अबाउट इट। सो मेकिंग ए प्रिपरेशन एंड सीमेंटिंग ए क्राउन इज वेरी इजी, बट कटिंग ए प्रिपरेशन एंड सीमेंटिंग ए एफपीडी विच मे लास्ट फॉर मेनी मेनी इयर्स, इट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग, बिकॉज दैट नीड्स मेटिकुलस प्लानिंग एंड डायग्नोसिस। अब सिंगल क्राउन है तो मैनी पीपल कैन गेट अवे, बट जहां बात आती है लॉन्ग स्पैन एफपीडी की या कॉम्प्लेक्स केसेस की, वहां पर ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लानिंग एंड डायग्नोसिस। सिंगल क्राउन में शायद हम लोग बच जाते हैं, तो वाई वी नीड टू प्रिपेयर द किथ। फर्स्ट ऑप्शन इज लाइक टू रिमूव द अंडरकट्स सो दैट द क्राउन कैन बी सीटेड। अगर ये अंडरकट्स रिमूव नहीं करेंगे तो हमारा क्राउन सीट ही नहीं करेगा, कहीं ना कहीं क्राउन इंटरफेयर करेगा, तो दैट इज नॉट गुड फॉर एफपीडी। सेकेंड इज टू प्रिपेयर ए पाथ ऑफ इंसर्जन एंड पाथ शुड बी पैरेलल टू एडजेसेंट प्रॉक्सिमल कॉन्टैक्ट्स। अब आप जैसे इस पिक्चर में देख रहे हैं कि इन दिस एरिया, दिस पार्ट ऑफ एडजेसेंट टूथ, इट विल ऑलवेज इंटरफेयर इन द प्लेसमेंट ऑफ क्राउन। सो अब क्या करेंगे हम? सो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड रीशेप दिस एरिया ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन विद इन द इनेमल, विद इज कॉल्ड इनेमलोप्लास्टी। उतना हम कर सकते हैं, पेशेंट को दिक्कत नहीं आएगा, और बाद में पेशेंट को वी कैन गिव फ्लोराइड एप्लीकेशन। सो व्हेन वी रिमूव दिस पार्ट, आवर दिस इंटरफेरेंस विल बी गोन एंड आवर क्राउन विल सीट प्रॉपरली। सो लाइक दिस वी हैव टू सी द एडजेसेंट टूथ ऑल्सो, वेदर इट इज इंटरफेयरिंग और नॉट। नेक्स्ट एस्पेक्ट इज वी नीड टू प्रिपेयर ए पिथ टू हैव स्पेस फॉर रेस्ट टू मेटीरियल। सो नाउ वी ऑल नो वी हैव ए फुल मेटल क्राउन, वी हैव जिरकोनिया क्राउन, वी हैव लेयर्ड क्राउन्स ऑन मेटल एज वेल एज जिरकोनिया, वी ऑल्सो हैव इमेक्स क्राउन्स। सो एवरी टाइप ऑफ रेस्टोरेशन नीड्स डिफरेंट स्पेस एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट स्पेस एंड वी हैव टू प्रोवाइड दैट स्पेस इन आवर प्रिपरेशन। आई एम ऑडिबल ना? So, what are the common problems which we come across in our day-to-day practice? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कॉमन आती है, पेशेंट आके बोलते हैं, सर जब से क्राउन लगाया है बड़ा ऊंचा है, बहुत पेन हो रहा है। ये बात बिल्कुल तो सही है ना? मैक्सिमम पेशेंट ये बोलते हैं कि आई एम फेसिंग हाई पॉइंट्स और पेन। सो दिस कैन बी अवॉइडेड इफ यू प्लान द केस इन प्रॉपर वे। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन इज चिपिंग ऑफ सिरेमिक और पीएफएम क्राउन्स का टूटना, देन फूड लॉजमेंट, इनएबिलिटी टू च्यू, पुअर शेड मैचिंग, लॉस ऑफ सराउंडिंग टिश्यूज,
loss of abutment, sensitivity, and just keep on increasing all the points. Other points are loosening or debonding, bad taste, bad breath, problems with the pulp, secondary caries, fracture of the prepared crown or root, movement of the tooth, speech problems, TMJ, pain clicking, and all these things. So how we can avoid these problems? By carefully planning and diagnosis. So these are the following some principles which we should take care. These are biologic, mechanical, and aesthetic. So today, in today's module, we are going to discuss the aspect of planning only. So failures and problems can happen at any time, at any stage, if there are shortcomings or shortcuts in any of these three principles. And you'll be surprised, maximum issues are by dentists, by our incompetency. And we always blame the lab. The lab has done wrong. लैब ने रॉन्ग खराब बनाया है, लैब ने प्रॉपर ऑक्लूजन नहीं दिया, लैब ने प्रॉपर शेप नहीं दिया, लैब ने प्रॉपर शेड नहीं दिया, जबकि गलती हमारी है, हमने लैब को प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं किया। इट शुड बी अवॉइडेड। एक्सेसिव फ्लेक्सिंग इज सीन विच इज बेसिकली अ डिफ्लेक्शन और बेंडिंग अंडर ऑक्लूजन लोड्स विच मे कॉज फेलियर ऑफ ए लॉन्ग स्पैन एफपीडी। मीन्स योर एफपीडी विल फ्लेक्स लाइक दिस। इमेजिन टू पिलर्स लाइक ए ब्रिज ऑन द रिवर एंड देर इज ए लॉन्ग ब्रिज हेयर दैट ब्रिज ऑलवेज फ्लेक्स लाइक दिस वेन व्हीकल्स मूव। सेम थिंग विल हैपन इन योर पेशेंट माउथ वेन देर इज ए लॉन्ग स्पैन ब्रिज। सो दैट डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस मीन्स द नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स means the length of the span. So if you make your span 3 times more, means even one even increase in one pontic, it will make this flexion 3 times more. Basically cubic of that means अगर एक पॉन्टिक हम बढ़ा रहे हैं तो आपका जो ब्रिज है वो 8 times ज्यादा फ्लेक्स करेगा। अगर 3 पॉन्टिक बढ़ाएंगे तो 27 टाइम्स ज्यादा फ्लेक्स करेगा। इमेजिन द अमाउंट ऑफ स्ट्रेसेस इट विल हैव ऑन द एफपीडी। तो इसलिए लॉन्ग स्पैन एफपीडी को हम अवॉइड करते हैं बिकॉज इट पुट्स ट्रिमेंडस स्ट्रेस ऑन द अबटमेंट्स विच आर सपोर्टिंग इट। सो बेटर टू कन्विंस पेशेंट टू गो फॉर इम्प्लांट्स। अगर एक कनाइन से मोलर तक मुझे देना है तो मैं नहीं दूंगा, मैं उसको या तो आरपीडी दूंगा या मैं उसको इम्प्लांट के लिए कन्विंस करूंगा बिकॉज वो लॉन्ग स्पैन एफपीडी सर्वाइव नहीं करेगी। हाँ, अगर अपोजिंग आर्थ अगर मैं आपका डेंचर है आप दे सकते हो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर अपोजिंग आर्थ में नेचुरल टीथ हैं तो आप नहीं दे सकते। एंटीज लॉ फॉलो करना है तो भी आप लॉन्ग स्पैन नहीं दे सकते। मतलब चलो आपकी बात मान के मैंने 3 अबटमेंट आगे ले लिए और 1 अबटमेंट पीछे ले लिया तो भी आपका लॉन्ग स्पैन तो लॉन्ग स्पैन ही रहेगा ना, तो फ्लेक्शन तो कहीं नहीं जाएगी। जो बिकॉज ऑफ दिस लेंथ फ्लेक्शन विल बी देयर। सो इवन इफ यू इंक्लूड मोर अबटमेंट्स दिस फ्लेक्शन इज नॉट डिक्रीज। ओनली थिंग व्हाट यू आर डूइंग बाय टेकिंग मोर अबटमेंट यू आर हैविंग वन सेफ्टी कि आपने अगर वो डीबोन हो रहा है वो तो डीबोन नहीं होगा बिकॉज एक्स्ट्रा टूथ ने उसको टेक केयर कर लिया। सो अगर आप 1 पॉन्टिक बढ़ाओगे तो 8 टाइम्स ज्यादा मूव करेगा, 3 पॉन्टिक बढ़ाओगे तो 27 टाइम्स मूव करेगा। सो दैट इज वेरी डिटेरिमेंटल। ओके, वन ऑफ द क्वेश्चन केम्स कि लॉन्ग स्पैन में एक साइड इम्प्लांट एक साइड टूथ, ये तो क्वेश्चन इसके लिए नहीं है, ये इम्प्लांट के लेक्चर में आता है। सो विल बी टॉक बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग टॉपिक, फिर भी बात करेंगे इस बारे में। सो इन लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस वी विल सी सिरेमिक चिपिंग, कनेक्टर फ्रैक्चर, अबटमेंट फ्रैक्चर वेरी कॉमन। सो व्हाट यू कैन डू, पॉन्टिक एंड कनेक्टर शुड बी मेड एज बल्की एज पॉसिबल टू मैक्सिमम रिजिडिटी विदाउट जियोपार्डाइजिंग द जिंजाइवल हेल्थ। अभी यहाँ पे क्या करना है हमें, अब लैब वाले को बोलेंगे कि भाई कनेक्टर मोटा बना,
मक्कोलिंगवली एज वेल एज अकुलुदुद्दीनयावली। बट साथ में हमें यह भी देखना है कि वो गम्स को कंप्रेस ना करे, इट शुड नॉट बी कंप्रेसिंग द गम्स। देन वी कैन यूज हाई स्ट्रेंथ अलॉयज, नो जिरकोनिया शुड बी गिवन इन लॉन्ग स्पेन, ओनली पीएफएम विद मेटल कॉलर शुड बी गिवन, एंड अबटमेंट शुड बी हैविंग एक्सीलेंट हेल्थ। मीन्स जो भी कुछ करना है, रेस्टोरेशन करना है या पेरेंटल ट्रीटमेंट करना है, वो करना ही है। और अगर ये सब इश्यू हैं तो अबटमेंट को इंक्रीज करना है, एक्स्ट्रा अबटमेंट ले लो। नाउ वी टॉक अबाउट आर्ट फॉर्म। अब आर्ट फॉर्म का रोल क्या है हमारी प्लानिंग में? सो बेसिकली इन इंटीरियर रीजन, यू नो वी हैव कर्वेचर ऑफ द आर्च, सो बिकॉज ऑफ दिस कर्वेचर हमें इस एरिया में फोर्सेस बढ़ती हैं। सो सपोज नाउ आवर वी आर गिविंग एंटीरियर एफपीडी विद कनाइन टू कनाइन, यू कैन टेक ए केस सिनेरियो कनाइन टू कनाइन। तो उसमें कनाइन हमारी दो अबटमेंट्स हैं और हम आगे चार दांत को रिप्लेस कर रहे हैं, एंटीरियर फोर टीथ। तो व्हाट इज हैपन, देर इज ए लाइन विच ज्वाइन टू कनाइंस विच इज कॉल्ड अबटमेंट एक्सिस, एंड आवर इंसाइजल एजेस ऑफ द टू सेंट्रल इंसाइजर्स विच आर पॉन्टिक, सो दे विल बी वेरी फार फ्रॉम दैट एक्सिस, सो दैट एजेस विल बी इन मैक्सिमम स्ट्रेसेस। सो बेसिकली आज फॉर्म में वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, वी हैव टू गाइड आवर लैब टू गिव गुड कनेक्टर्स मकोलिंगवल एज वेल एज अक्लूजो जिंजाइवल, एंड वी हैव टू डिजाइन द अक्लूजन। मीन्स मिनिमल सेंट्रिक कॉन्टैक्ट एंड वेरी लेस गाइडेंस। नाउ गाइडेंस एंड दिस ऑल दिस थिंग्स आई विल टॉक, मतलब वी कैन टॉक इन टॉपिक ऑफ अक्लूजन, नॉट हेयर। सो वेन वी रिप्लेस मल्टीपल एंटीरियर टीथ, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस फैक्टर्स। नाउ पॉन्टिक्स, सो व्हाट केयर शुड बी टेकन रिगार्डिंग पॉन्टिक्स? सो पॉन्टिक इज ए एंटायरली लैब पर्सन जॉब, द डिजाइन ऑफ पॉन्टिक, शेप ऑफ पॉन्टिक एंड साइज ऑफ पॉन्टिक, बट वी हैव टू गाइड हिम एंड वी मस्ट टेल हिम विच टाइप ऑफ पॉन्टिक यू वॉन्ट। सो वी ऑल हैव रेड इन बीडीएस द टाइप्स ऑफ पॉन्टिक्स, देयर इंडिकेशन एंड ऑल दीज थिंग्स। सो वील जस्ट टॉक अबाउट फ्यू पॉइंट्स। द पॉन्टिक शुड बी बायोलॉजिक एंड हाइजेनिक, मीन्स इट शुड नॉट कंप्रेस द अंडरलाइंग टिश्यूज एंड इट शुड हैव नेचुरल एम्ब्रेजर्स। आई विल शो इन द पिक्चर, इट शुड हैविंग गुड रिजिडिटी एंड थिकनेस सो दैट इट वॉन्ट फ्रैक्चर। इट शुड बी एस्थेटिक, मीन्स देर शुड बी ए स्पेस फॉर बक्कल लेयरिंग, लेस इन वेट। अब मेनी टाइम्स वॉट हैपन्स इफ वी हैव ए लॉन्ग एफपीडी, द पॉन्टिक्स मेक द वेट वेरी हाई, बिकॉज ऑफ दैट वेट ओनली आवर एफपीडी बिकम्स लेस रिटेंटिव। सो इन दोज केसेस वी शुड यूज द डिफरेंट टाइप ऑफ अलॉयज लाइक टाइटेनियम विच आर लाइट इन वेट। एंड पॉन्टिक्स शुड प्रोवाइड फंक्शन, पॉन्टिक्स शुड प्रोवाइड फोनेटिक्स। समटाइम्स वॉट हैपन्स, द लैब गाय डिजाइन पॉन्टिक्स इन सच ए वे देर इज ए एक्सेसिव एस्केप ऑफ एयर और देर इज नो एस्केप ऑफ एयर, सो पेशेंट्स वॉइस इज गेट अफेक्टेड, और ही हैज मेक एंटीरियर पॉन्टिक्स सो पावरली प्लेस्ड हिज वॉइस गेट्स चेंज्ड। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। सो नाउ वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ पॉन्टिक्स। सो फर्स्ट इज आवर सैडल रिज लैब, मैक्सिमम लैब इन इंडिया दे आर मेकिंग दिस काइंड ऑफ पॉन्टिक, सैडल रिज लैब। यू सी देर इज ए बकल पोर्शन ऑफ दिस पॉन्टिक विच इज लैपिंग द रिज एंड ए लिंगुअल पोर्शन, सो बोथ साइड्स दे एनगल्फ द रिज इन दिस वे। सो बक्कल साइड एज वेल एज लिंगुअल साइड बोथ टच द अंडरलाइंग रिज, देर इज नो स्पेस एनी वेयर, सो पेशेंट कैनॉट क्लीन दिस
एरिया द एरिया बीनिथ द पॉन्टिक पेशेंट कैन नॉट क्लीन. सो दिस टाइप ऑफ पॉन्टिक्स इज नॉट गुड. वट आई सजेस्ट इज मॉडिफाइड रिज लैप पॉन्टिक. सो वट वी डू इन दिस, यू कैन सी द पिक्चर, ओनली द लिंगुअल पार्ट इज इन कॉन्टेक्ट ऑफ द रिज, द बकल साइड, और यू कैन से बकल साइड इज इन द कॉन्टेक्ट और लिंगुअल साइड इज फ्री. दैट डिपेंड ऑन द डिमांड ऑफ एस्थेटिक्स. इन अपर जो यू डिजाइन इन ए डिफरेंट वे, इन लोअर जो यू डिजाइन इन ए डिफरेंट वे. सो ऑन बकल साइड यू कैन सी दिस पिक्चर, द रिज पोर्शन, द पोर्शन ऑफ पॉन्टिक इज टचिंग द रिज. इट इज लाइक ए हैविंग ए सेडल सेडल एरिया विच इज गोइंग ऑन द बकल साइड, एंड ऑन लिंगुअल साइड इट इज वेरी स्मॉल. सो देर इज ए स्पेस हेयर एंड पेशेंट कैन क्लीन दिस एरिया. सो दिस इज वेरी गुड डिजाइन. और यू कैन ऑल्सो डिजाइन दिस पॉन्टिक बाय कंटूरिंग विद द बर इन द ऑफ द पॉन्टिक एरिया इन द पेशेंट माउथ. पेशेंट के माउथ के अंदर आप बर से शेपिंग कर सकते हो टिश्यूज का. मतलब आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने लिंगुअल साइड में आपको नहीं चाहिए कॉन्टैक्ट, तो लिंगुअल टिश्यू में थोड़ा ट्रिम कर दो, बकल साइड को छोड़ दो, तो आपका लैब वाला बना पाएगा मॉडिफाइड रिज लैब. देन यू हैव टू गाइड द लैब पर्सन कि भैया मुझे इस एरिया में टच करके दे पॉन्टिक को, इस एरिया में पॉन्टिक और रिज के बीच में गैप छोड़ना 0.5 मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर का, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन. मीन्स अगर अपर जो है तो वो स्पेस कम रहेगा 0.5 मिलीमीटर बिकॉज ऑफ एस्थेटिक्स, एंड लोअर जो है तो वो स्पेस ज्यादा भी छोड़ सकते हो आप. गेटिंग मी? सो मॉडिफाइड रिज लैप इज द बेस्ट पॉन्टिक डिजाइन फॉर अपर एज वेल एज लोअर जॉ. बट लैब वालों को बनाना आता नहीं है, उनके लिए इजी बनाना है सेडल पॉन्टिक. मीन्स दोनों साइड से रिज को टच करता हुआ, बक्कल एज वेल एज लिंगुअल. सो वो चीज अच्छी नहीं है अगर लैब वाला. अब यहाँ पे मैं एक बात ऐड करता हूँ, तो लैब वाले को बनाने में नहीं आता है, तो आप अपना कर सकते हो. कैसे कर सकते हो, लैब से बन के आया आपका ब्रिज, आपने